गाइस, दुनिया में हजारों ऐसी प्रजाति हैं जिन तक सिर्फ नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी चैनल वाले ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि कुछ महासागर की गहराई में पाए जाते हैं तो कुछ घने जंगलों के बीच बसे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ ऐसे 10 दुर्लभ जीवों से रूबरू कराऊंगा इस वीडियो में, जिन्हें आपने शायद ही कभी देखा हो या उनके बारे में सुना हो। तो आज के हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे आता है वो काफी। गाइज, ये जानवर जेब्रा और जिराफ का मिक्सचर है, इसीलिए इसके पैरों में सफेद काली धारियां होती हैं, जिससे दूर से देखने में ये जेब्रा जैसा दिखाई देता है। लेकिन इसके शरीर की जो बनावट होती है ना, वो कुछ कुछ जिराफ जैसी होती है, सिवाय इसके लंबी गर्दन के। गाइज, अगर आपने TF एपिसोड 9 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर आप देखो, उसमें मैंने बताया कि जिराफ की जुबान लंबी होती है। वैसे ही जिराफ की तरह मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाली इस जानवर की भी जुबान लंबी होती है, जिसे वे अपनी आंख और कान साफ करते हैं। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है पेनिस स्नेक। इस जीव को वास्तव में एट्रेटोचुआना इसेल्टी कहते हैं। यह कैसिलियन की प्रजाति से बिलोंग करता है और इसका अगला हिस्सा पेनिस जैसा दिखाई देता है। यह एक चिपटे सिर वाला जीव है जिसका शरीर काफी चिकना होता है। एक्चुअली यह एक सांप नहीं है, लेकिन इसको लोग डिफरेंट नामों से जानते हैं, जैसे पेनिस स्नेक, मैन एनाकोंडा, फ्लॉपी स्नेक, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ह्यूमन पेनिस जैसा होता है। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे आता है सोबिल। सोबिल एक ऐसा जीव है जो ईस्ट अफ्रीका के दलदल वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इनकी चोंच जूते के आकार की होती है और इसी वजह से इनका नाम सोबिल पड़ा है। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे आता है थॉर्नी ड्रैगन। थॉर्नी ड्रैगन एक्चुअली में छिपकली की एक प्रजाति है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका रंग बालू के रंग से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से ये आसानी से रेगिस्तान की मिट्टी में छिप जाते हैं। इसका एक नकली सिर होता है जिसे ये लोगों को धोखा देने के लिए निकालती है, और इसके शरीर पे जो कांटे निकले होते हैं ना, वो इसे शिकार होने से बचाते हैं। हमारे लिस्ट के पांचवें नंबर पे आता है द ब्लू पैरट फिश। ये नीली मछली अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। उनके सिर पर पीले रंग के धब्बे होते हैं और शरीर पूरा नीला होता है, जो बढ़ते उम्र के साथ फीका पड़ जाता है। वे तोते की तरह एक बड़ी चोंच विकसित करते हैं, जिसका इस्तेमाल वे चट्टानों से शैवाल और छोटे जीवों को स्क्रैप करने के लिए यूज करते हैं। हमारे लिस्ट के अगले नंबर पे आता है इंडियन पर्पल फ्रॉग। भारत में पाए जाने वाली मेंढकों की एक विचित्र प्रजाति है। इनका शरीर अजीब सा मोटा होता है और ये साल भर धरती के अंदर ही रहते हैं। ये सिर्फ सेक्स करने के लिए 2 हफ्ते जमीन पर बिताते हैं। हमारे लिस्ट के अगले नंबर पे आता है द पाकू फिश। गाइज, क्या आपने कभी किसी मछली के दांत इंसानों के दांत की तरह देखा है? अगर नहीं देखा है तो इस पिक्चर को देखो। इस मछली को बॉल कटर भी कहते हैं। इसके दांत कुछ कुछ इंसानों जैसे होते हैं और ये अपने शिकार को काटने से कभी नहीं चुकते। हमारे लिस्ट के अगले नंबर पे आता है ग्लाउकस एटलांटिकस। इसे ब्लू ड्रैगन भी कहते हैं। इसके पेट में गैस भरी होती है, जिसकी वजह से ये समुद्र के गुनगुने पानी की सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं, और ये अपने शिकार से बचने के लिए डंक भी मारते हैं। हमारे लिस्ट के अगले नंबर पे आता है रेड लिप्ड बैटफिश। गाइस, इस मछली को देखो, आपको क्या लग रहा है ये लिपस्टिक कहाँ से खरीदती होगी? लगता है ये मछली लड़कियों से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड है। बाय द वे, मजाक को साइड पे रखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। ये लाल होठों वाली मछली गालापागोस आइलैंड में पाई जाती है। वेल, ये मछली तैर नहीं पाती, इसलिए समुद्र के तल पे चलती है। ये मछली अपनी छाती पर उगे पंखों के सहारे समुद्र की सतह पर चलकर शिकार करती है। गाइस, चौंकाने वाली बात तो यह है, इस मछली का जो बिहेवियर होता है ना, वो मछलियों जैसा होता है, लेकिन कैरेक्टर उनसे काफी डिफरेंट होता है। हमारे लिस्ट के लास्ट नंबर पे आता है द बुश वाइपर। गाइज, ये सांप अफ्रीका के ट्रॉपिकल जंगलों में पाया जाता है और अपना ज्यादातर शिकार रात के अंधेरे में करता है। इसकी बॉडी का जो टेक्सचर होता है ना, वो छोटे छोटे पत्तियों जैसा होता है, जिसकी वजह से ये झाड़ियों में घुल मिल जाते हैं और अपना शिकार आसानी से कर पाते हैं। यह जनरली जंगल के छोटे छोटे जीव जैसे छिपकली, चूहे, मेढक, चिड़िया और दूसरे सांपों का शिकार करता है। वैसे ये सांप दूसरे सांपों की प्रजाति की तुलना में कम जहरीला होता है, लेकिन इसका अभी तक एंटी वेनम यानी इसकी विष को काटने वाली दवा नहीं बन पाई है। तो गाइस, ये थे हमारे लिस्ट के 10 दुर्लभ जीव। आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, जो लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दें, इससे मुझे काफी खुशी और मोटिवेशन मिलती है। तो चलो, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।